आसिफ नगर डिवीजन के एसीपी मारुति के लीडरशिप में एडिशनल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, एसएचओ रविंदर और उनका सारा क्राइम टीम मिलके एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें तीन अक्यूज्ड है। पहला वाला शिवरात्रि चंदू 18 साल का और नेटिव ऑफ पिटगुराला। दूसरा शिवनाग तेजा 22 इयर्स, वो भी पिटगुराला का है। तीसरा मधु, नेटिव ऑफ नरसरापेट गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों लोग यहाँ पे हैदराबाद आके रेकी करके एरिया आसिफ नगर के एरिया से ये लोग व्हीकल चोरी करे। उसमें ये लोग को टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए ये तीनों लोगों को अरेस्ट करे। अरेस्ट करने के बाद एक तीन चार दिन के पूरा हार्ड वर्क के बाद ये लोग हमारा पूरा टीम पिटगुराला जाके वहाँ से 8 व्हीकल्स रिकवर करे। इसमें कई केसेस है, एक आसिफ नगर के, बाकी के साइबराबाद और हैदराबाद के बाकी केसेस भी इसमें थेफ्ट केसेस रजिस्टर हुए। 4 केसेस रजिस्टर हुए और 4 केसेस अभी पेंडिंग है। तो इसमें वेरीफाई कर रहे हैं 8 व्हीकल्स के अलावा ये और भी कुछ करे क्या। तो इसमें ये चंदू जो 18 साल का है वो गैंग लीडर है। इसके अलावा ये दो लोग शिवनाग तेजा और मधु, ये तीनों लोग चोरी करने के बाद यहाँ से व्हीकल्स ले आके मधु के ज़रिए ये लोग नरसरापेट भिजा के वहाँ पे व्हीकल पार्क करा के फिर मधु वापस बस में आके फिर ये लोग यहाँ से जो चोरी करे व्हीकल फिर वो ले आता वहाँ पे व्हीकल। सो इस तरह ये लोग प्लान्ड तरीके से ये लोग 8 व्हीकल्स अभी तो रिकवर हुए, पता नहीं अभी और भी वेरीफाई करे कितने करे ये लोग। तो फिलहाल 8 व्हीकल्स, ये पूरा टीम हार्डवर्क के बाद ये लोग 8 व्हीकल्स रिकवर करे। तकरीबन इनका वैल्यू 20 लाख तक है। ये हाई एंड व्हीकल्स ही ये लोग आइडेंटिफाई करके चोरी करे। तो इसमें 8 व्हीकल्स अभी रिकवर हुए। इन ये पहला ऑफेंस है इनका। इससे पहले ये लोग अभी ये गैंग फॉर्म करे, गैंग फॉर्म करने के बाद ये लोग शुरू करे, पिछले एक महीने से ये लोग कर रहे हैं। अगर से ये लोग अभी अरेस्ट नहीं होते, पता नहीं ये लोग और ज़्यादा व्हीकल से लोग चोरी करने का चांस था। तो इसमें ये जो तीनों लोग हैं ये पूरे यूट्यूब में देख के किस तरह का व्हीकल को मतलब चोरी करने के बाद उसको किस तरह का ऑन कर सकते, लॉक्ड व्हीकल का लॉक किस तरह निकाल सकते, उसको लॉक ब्रेक करने के बाद किस तरह का फिर इसमें इंजन को ऑन कर सकते, ये पूरे यूट्यूब में देख के लोग सीख के इसके बाद में ये प्लान करके इस तरह के चोरी करे। इसमें ये पूरे तीन लोगों को अरेस्ट करके आज रिमांड करें और 8 व्हीकल भी रोज जो रिकवर करें वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस करें। इसमें एसीपी शिव मारुति आसिफ नगर एसीपी और 2 इंस्पेक्टर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर और एसएचओ रविंदर और श्रीनिवास और उनका टीम जितना हार्ड वर्क करके करे, इन सबको हम लोग रिवॉर्ड प्रपोज करें और इन सब लोगों को बधाई दे रहे कि इतना अच्छा आज ये डिटेक्ट करके 8 व्हीकल्स रिकवर करें। ये तीनों लोग तो फिलहाल तो बेकार है, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ इनका काम अभी गैंग फॉर्म करने के बाद यही चोरी का काम कर रहे। तो लोग बेचते किसको थे गाड़ी? अभी तो किसी को बेचे नहीं, प्लान है मतलब पहले पूरे इकट्ठा कर रहे गाड़ी, अभी आगे चल के अगर से इमीडिएटली रिकवर नहीं करे होते तो बेच देते लोग, अरेस्ट नहीं होते। ओके। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिक जैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी सदरी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।